सूफियों और बुजुर्गों की सरजमीन कहलाए जाने वाला सूबा सिंध बिलाशुबा सकाफती वर्से से भी माला माल है और अजरक उसकी सकाफत का अहम तरीन हिस्सा है। इसी बिना पर अजरक को सिंध और उसकी अवाम की शनाख्त कहा जाए तो गलत ना होगा। अजरक की कदामत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अजरक के आसार मोइनजो दड़ो से भी मिले हैं। हाथ की बनी अजरक की तैयारी में मेहनत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि कपड़े को सिर्फ छपाई के लिए 5 मराहिल से गुजरना पड़ता है। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में सिंध की तहजीब व सकाफत को उजागर करने के लिए महकमा सकाफत और सिटको की तरफ से सिंध की कदीम सकाफती पहचान अजरक और सिंध के दूसरे रवायती हुनर जैसे ब्लॉक प्रिंट और कढ़ाई की दो रोज़ा नुमाइश मुनक़द की गई, जहां कुदरती रंगों से रंगे हुए और हाथ के हुनर से बनाए गए जोड़े, कपड़े, चुनरी और सिंधी अजरक की नुमाइश की गई और हुनरमंदों की हौसला अफजाई के साथ साथ ख़रीदारी भी की गई। सिंध भर में सरकारी और निजी सतह पर अगर ऐसे प्रोग्राम या नुमाइश लगाई जाए तो सिंध की सकाफती और रिवायती पहचान अजरक के गरीब हुनरमंदों की हौसला अफजाई भी होगी और अवाम को असली अजरक की पहचान भी होगी। अगर आप सिंध और सिंध की तहजीब व सकाफत के हवाले से मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं।